हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर जिंगपिंग जी आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको क्या मैसेज दिया उन्होंने? ये मैसेज दे रहे हैं कि दोस्तों मास्क ज़रूर पहनिए अगर आप बाहर जाएं तो। ठीक है दोस्तों, तो इसी इम्पॉर्टेंट बात के साथ शुरू करते हैं आज के 5 इकोनॉमी के सवाल दोस्तों। और उसके पहले मैं आपको चाहता हूँ बताना कि एक्सटेंसिव टेस्टिंग, ठीक है दोस्तों, जिस तरह कोरोना की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सटेंसिव वैसे ही टेस्टिंग ज़रूरी है किसकी? यूपीएससी प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स जो देर सवेर आपको देना ही है, चाहे 2 हफ्ते बाद चाहे 4 हफ्ते बाद, वो आएगा ही आएगा। पोस्टपोन अगर हुआ भी तो 2 से 4 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमने आपके लिए जो बहुत ही एक जो बिल्कुल एक जो बेसिक सी प्राइस है 10 रुपये की प्राइस पर हमने 3 टेस्ट आपके लिए अवेलेबल कराएं। जो उस बंडल में एक डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसको हमने पहले कंडक्ट किया था, शायद आपने इसको जो एनरोल भी किया हो, 199 रुपीज का हमने लिया था। एंड देन एक बोनस एक फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं ताकि बच्चों की जो तैयारी हो रही थोड़ा असेस भी कर पाए अपने आपको। एंड एक इको सर्वे और इंडिया एयरबुक का टेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये टेस्ट दीजिए आप, इनके जो वीडियो सोल्यूशन एक्सेट्रा भी डाल दिए जाएंगे विद टाइम। तो इको सर्वे का तो मैं भी ट्राई करूंगा, वो भी डाल दिया जाए। ठीक है, तो यही है 10 रुपीज़ की प्राइस रखी गई है ताकि जो जो ना ऐसे आर्बिट्रेरीली कोई जस्ट खरीद लेते हैं फ्री में, जब होता है फ्री की ही बात है, बस ये 10 रुपये हमने ये रखा है ताकि सिर्फ थोड़ा सा सीरियस बच्चे ही आएँ, क्योंकि दो एक स्टेप बढ़ेगा जब 10 रुपये पे करने होंगे, तो सिर्फ थोड़ा सीरियस बच्चे ही इसको अवेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, टेस्टिंग कीजिए आप सभी के लिए। हमने आपको जो 31 मार्च तक क्रैश में भी ऐड किया था, अगर आपकी क्लासेस बंद हो गई थी तो उसके बाद थोड़ा आपके लिए एक और स्टेप उठाया हमने, ये 3 टेस्ट भी आप दे सकते हैं अगर आप हमारे क्रैश या फिर प्रीलिम्स के स्टूडेंट नहीं है, तो आपको ये मिल सकता है सस्ते दामों पर। ओके देन दोस्तों, ये 5 सवाल हैं आज हमारे सामने। सबसे पहला सवाल ये है, अगर हम भारत में देखें यूजुअली जो चिकपी के बारे में अगर हम बात करें, तो ये एक खरीफ क्रॉप है, इज इट अ रबी क्रॉप, इज इट अ जायद क्रॉप, और या फिर ये साल में थ्रू आउट ही उगाया जाता है हिंदुस्तान में। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। चिकपी क्या है, खरीफ, रबी, जायद या थ्रू आउट? एंड दोस्तों राइट आंसर इज रबी क्रॉप। डेफिनेटली दोस्तों हर एक हमारे देश में क्रॉप को हम थ्रू आउट द ईयर उगा सकते हैं, लेकिन यूजुअली कि पूरा देश जनरली क्या करता है, तो चिकपी ये उगाया जाता है जब हम जैसे जब मूव कर रहे होते हैं आफ्टर द मानसून वाले, जब हमारे जब वीट उगने का टाइम होता है, तो वीट के उगने के साथ साथ ही चिकपी उगाया जाता है, रबी क्रॉप कहते हैं इसको, जिसको हम जैसे चने कहते हैं, चने बनते हैं घरों में, तो चिकपी दैट चना। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक ड्रॉट टॉलरेंट एक चिकपी की वैरायटी बना दी गई है। ठीक है, एंड अगर चिकपी के बारे में क्विक अगर फैक्ट देखें, तो ये सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है, सेमी एरिड रीजन्स में इंडिया में पोस्ट मानसून सीजन में उगाया जाता है। एंड देन उसके बाद अगर देखें तो इसलिए क्योंकि सिंस ये जब बारिश वगैरह कम हो जाती है तो ड्रॉट वगैरह भी फेस करता है, एंड इसीलिए इसकी यील्ड कम हो जाती है। हमारे देश में वैसे दालों की बहुत कमी है। एंड देन इंडियन साइंटिस्ट ने क्या किया, 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, उनमें से साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड चिकपी की वैरायटी बनाई है। एंड देन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट क्या किया, जैसे साइटोकाइनिन होता है तो वो हार्मोन को थोड़ा ऑल्टर किया, उसके कारण हुआ क्या कि उसकी रूट डेवलपमेंट एक्सटेंड हो जाती है। रूट डेवलपमेंट एक्सटेंड होने से अब वो डीपर जा सकता है, सॉइल को डीपर पेनेट्रेट कर सकता है। देन एंड उसके कारण क्या होता है कि अब वो ज़्यादा जगह से पानी खींच सकता है, एंड अकॉर्डिंगली ड्रॉट रेजिस्टेंट बन जाता है। एंड देन और भी चीज़ देखी गई कि ड्रॉट टॉलरेंस के साथ साथ यहां पर और क्या है कि इसमें हाई आयरन एंड जिंक कंटेंट भी सीड्स में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो हमारे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ये दो इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स हैं, जो इन हार्मोन्स को हमें दिमाग में रखना है, रूट डेवलपमेंट से जुड़े हुए, थोड़ा साइंस का भी एक आपको सवाल सॉल्व हो सकता है इससे। ठीक है, चलिए, तो बाकी जो इंपॉर्टेंट खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, ये तो हमेशा ही रटते रहनी चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये बस दीवार पर कहीं चिपका के रखो, बार बार देखते रहो, ग्रेजुअली याद हो जाते हैं। ओके देन दोस्तों, ये अगला सवाल है, इट इज़ अबाउट NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसमें से आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। ठीक है, पहला, ये करंटली 2 फंड्स को मैनेज करता है। ठीक है, जो ईच विद इट्स डिस्टिंक्टिव इन्वेस्टमेंट मैंडेट। ठीक है, एंड देन ये जो फंड अभी रजिस्टर्ड है कैसे, AIF विद इट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आपने मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर है इनकरेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान से इनकरेक्ट, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत है, वो है पहली स्टेटमेंट, क्योंकि NIIF के अंदर 2 नहीं दोस्तों 3 फंड्स हैं, एंड 3 फंड्स को डिस्टिंक्ट जिनके जो मैंडेट है इन्वेस्टमेंट का। एंड देन ये AIF ये रजिस्टर्ड है हमारे SEBI में। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से बताता हूँ न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने $100 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है। NIIF में जो 3 फंड्स हैं उसमें से 1 फंड का नाम है FOF, इंडिया फंड ऑफ फंड्स। ठीक है दोस्तों, तो एंड अदरवाइज देखें जो NIIF के जो FOF में अभी 2 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं, कौन से हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एक AIIB, तीसरा कौन सा इंपॉर्टेंट जुड़ गया है, दैट इज ADB। ठीक है, तो अब उसके बाद
जो अगर हम FOF की बात करें, अगर जो जो NIF के FOF है, जो तीन फंड्स में से एक फंड है, ये 2018 में बनाया गया था। ये PE फंड है, प्राइवेट इक्विटी पे ज़्यादा फोकस करता है एंड ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स और स्ट्रैटेजीज में ही इन्वेस्ट करता है। जो थर्ड पार्टी जो जो फंड्स रहते हैं, जो और जो कंपनीज फंड चला रही हैं, उनमें इन्वेस्ट करता है ये। ठीक है दोस्तों, NIF अगर देखें 2015 में बनाया गया था, भारत का पहला जो सोवरन वेल्थ फंड था। एंड जो तीन इंपॉर्टेंट जो हमारे फंड्स हैं NIF के अंदर, एक तो मास्टर फंड है, एक FOF और एक स्ट्रेटेजिक फंड। इन पर डिस्कशन हमने पहले की हुई है तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ओके देन दोस्तों, अभी ADB की बात हो रही है तो क्विकली मुझे बताइए ADB के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, ये 1946 में जब बाकी ब्रिटन वुड ट्विंस बनाए गए IMF वर्ल्ड बैंक, तो इसको साथ में इसका भी गठन किया गया एंड इसके हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। तो दोस्तों कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट, आसान सवाल एंड राइट आंसर इज टू ओनली, दैट इज करेक्ट। ब्रिटन वुड ट्विंस के साथ इसको नहीं बनाया गया था, इसको बाद में 1966 में इस्टेब्लिश किया गया दोस्तों। एंड देन उसके 60 जब शुरू में तो 31 मेंबर्स थे, अभी 68 मेंबर्स हो गए हैं। जापान की इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है, कैपिटल शेयर होल्डिंग, देन बहुत ही, जैसे देखो बहुत ही थोड़ा सा फर्क है जापान और US में, लेकिन हैं डेफिनेटली, क्योंकि एशिया का बंदा ही जो इसको हेड करे बेटर रहेगा ना जो कैपिटल को, तो इसलिए जब ऐसे याद कर सकते हैं हम कि जापानीज जो शेयर होल्डिंग मैक्सिमम है, देन US, देन चाइनीज एंड देन इंडियन। ठीक है, एंड इंडिया अगर हम बात करें तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक था। ऑलराइट दोस्तों, ओके अब हमारे टेस्ट सीरीज से सवाल है। अगर आप टेस्ट सीरीज, अगर वो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी सवाल हमने आपसे पूछा था कि अगर हम एक्सचेंज रेट पास थ्रू की बात करें, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सचेंज रेट पास थ्रू, तो दो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये पहला, ये मेजर है कि हाउ रिस्पॉन्सिव इंटरनेशनल प्राइसेस आर, कि जो इंटरनेशनल जो भी जितनी भी चीज़ें चलती हैं, जैसे इंटरनेशनली मैं इसको अगर समझाऊं तो आपको, जैसे डॉलर्स जैसे या फिर आपके क्रूड ऑयल है ना, तो टू चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स, कि अगर एक्सचेंज रेट की प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं तो कितना इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर होती हैं, क्या जो एक्सचेंज रेट पास थ्रू इसको जो बयां करता है। एंड देन जब एक्सचेंज रेट पास थ्रू जब ग्रेटर होता है तो वहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फ्लेशन बिकम्स लो। क्या ये बात सही है कि जो इन्फ्लेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो धीमी हो जाती है अगर एक्सचेंज रेट पास थ्रू कम हो तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2 बोथ या नन ऑफ दीज। एंड दोस्तों इसको पॉज कर सकते, थोड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि रिसेंटली RBI ने एक पेपर पब्लिश किया था तो एक्सचेंज रेट पास थ्रू पे बात कर रहे थे वो, तो इसलिए सवाल बनाया हमने। एंड दोस्तों राइट आंसर इज 1 only, क्योंकि डेफिनेटली जैसे कि कितना जो एक्सचेंज रेट पास थ्रू सिर्फ आपको एक तरह से यही इंडिकेटर है कि जब एक्सचेंज रेट्स ऊपर नीचे होते हैं तो इंटरनेशनल प्राइसेस किस तरह से ऊपर नीचे होती हैं। एंड अकॉर्डिंगली जब इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं, जब ग्रेटर है एक्सचेंज रेट पास थ्रू, बहुत रैपिडली अगर फर्क पड़ रहा है चीज़ों पे, तो इन्फ्लेशन अगर एक कंट्री में है तो दूसरी कंट्री में भी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट एक डिस्टिंक्शन है, ये इसको ध्यान रखना कि जब हमारा जो ERPT जब हाई होता है तो इन्फ्लेशन ट्रांसमिशन भी दो कंट्रीज के बीच में हाई हो जाता है। ठीक है, तो RBI ने पेपर पब्लिश किया था इसमें कि कितना रिस्पॉन्सिव होती है इंटरनेशनल प्राइसेस टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, एंड अकॉर्डिंगली ट्रांसमिशन भी हो जाती है, एंड अकॉर्डिंगली कंट्री की परचेजिंग पावर एक्सेट्रा वगैरह पर भी फर्क पड़ सकता है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को भी इम्पैक्ट कर सकता है अकॉर्डिंगली। ओके ठीक है दोस्तों, चलो चलिए आज का आखिरी सवाल करते हैं। पांचवा सवाल है WTO के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम देखें WTO की जो लैंग्वेज है, पार्लेंस है, उसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, नाम है पीस क्लॉज। हमने आज के अपने करंट अफेयर्स में कवर किया था पीस क्लॉज, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, पहला, जो पीस क्लॉज है ये रेफर करता है एक WTO के जो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है AOA, उसके आर्टिकल को। ठीक है दोस्तों, क्या ये बात सही है, ठीक है, कि पीस क्लॉज WTO के AOA को रेफर करने वाला एक आर्टिकल है, क्या ये बात सही है। देन दूसरा, जो WTO के मेंबर्स हैं इन्होंने अडॉप्ट किया था एक डिसीजन नैरोबी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जब 2015 में हुई थी अबाउट पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पसेस, उसके लिए पीस क्लॉज का यूज किया गया था। तो कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट दोस्तों, इत्मीनान से ढंग से सोच के ही आंसर करने, थोड़े सवाल मुश्किल हैं क्योंकि UPSC में सवाल भी थोड़ा मुश्किल ही आते हैं, लेकिन ये वाला सवाल अगर आपको आता है तो डेफिनेटली तैयारी अच्छी चल रही है। एंड राइट आंसर इज 1 only, डेफिनेटली इट इज करेक्ट कि जो पीस क्लॉज है ये आर्टिकल 13 कहलाता है WTO का AOA में, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। आप WTO को लेक्चर जाके देख सकते हैं, हमने ये जो पीस क्लॉज को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एंड देन ये कंट्रीज को रोकता है कि अगर कोई अपने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए कोई सब्सिडी की लिमिट अगर ब्रीच कर रहा है तो थोड़े टाइम के लिए वो कर सकता है। ठीक है, कि अगर कि कोई कंट्री को हम लीगली बार नहीं कर सकते, वी कैन नॉट बार एनी कंट्री फ्रॉम परसुइंग इट्स फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम।
एंड देन अगर हम देखें तो ये इसको नैरोबी में नहीं, इसको दोस्तों बाली मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस 2013 में इंडिया ने नेगोशिएट किया था। एंड उसके बाद अभी देखें अगर हम परपेचुटी में, अभी जो उसके बाद ग्रेजुअली इंडिया ने जब जो और भी अग्रीमेंट्स के पैरेलल इन लियो, ठीक है कि जब इंडिया ने इसको नेगोशिएट कर लिया था, तो अभी इंडिया को अलाउड है एक परमानेंट सोल्यूशन, जब तक इसका निकलेगा परमानेंट सोल्यूशन के निकलने तक इंडिया अपने फूड सिक्योरिटी के लिए जो इसको ब्रीच कर सकता है सब्सिडी के लेवल को, कब तक? परपेचुटी तक, जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल जाता। ठीक है दोस्तों, तो बस यही एक जो अभी पेंडेमिक के चलते अभी और भी फूड सप्लाई हमारी जो अभी अनइंटरप्टेड चलते रहे, तो इंडिया इसके लिए भी केस बिल्ड कर रहा है, ठीक है, एंड डब्ल्यूटीओ को इसमें रैली कर रहा है लोगों को। ओके, देन दोस्तों रिवीजन सीरीज चल रही है, 2 मिनट सीरीज चल रही है आपको, ताकि आप भी रैली होते रहें, पढ़ाई में लगे रहें, और हम भी यहाँ पे घर बैठे वीडियो बनाते जा रहे हैं। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर घर पर अवेलेबल नहीं होता, लेकिन तब भी लेक्चर नहीं रोक रहे हम कि लेक्चर चलाते रहें, ठीक है, इतनी इंटरनेट की स्पीड भी नहीं है लेक्चर्स अपलोड करने के लिए एक्सेट्रा, ठीक है। टीम बिल्कुल डिवाइड हो गई है, बिल्कुल अपने अपने घरों में, लेकिन हम सबको चलाते जा रहे हैं ताकि आप भी चलते रहें साथ साथ में, आपका प्रोसेस ना रुके, ठीक है। एंड इसीलिए क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें, प्री के क्रैश कोर्स को, और वो सिंपल सी चीज़ है, क्रैश को ज्वाइन करने का फायदा सिर्फ क्या रहता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे इकट्ठी और बिल्कुल फोकस्ड प्री के परस्पेक्टिव से फोकस मिल जाती हैं। हर एक लेक्चर के अंत में हमने एक कुछ टेस्ट डाले हुए हैं जो आप वो टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1000 के आसपास सवाल वहाँ पर हैं, कुछ टेस्ट हमारे टेस्ट सीरीज में है, हमने अब ये कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करा दिए, उसको भी देख सकते हैं। तो कॉन्टेंट बहुत निकलता जा रहा है, कॉन्टेंट बहुत बनता जा रहा है, उसको आप अवेल कीजिए, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, बिल्कुल हम बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट मार्जिन पर यहाँ पे चलाने की ट्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा बीच में अपने लिए हम प्रॉफिट्स निकालते हैं ताकि हम सस्टेन कर सकें, ठीक है, सस्टेन कर सकें खुद को एंड अपने बैंडविड्थ कॉस्ट एक्सेट्रा को, ठीक है। तो ये सब कुछ है, और अब मेहनत वाला काम है, मेहनत वाला यहाँ पे प्रोजेक्ट है, आप भी उसमें साथ जुड़ें, ठीक है। अगर मेहनत करने वाले स्टूडेंट अगर आप हैं, आप क्रैश और प्री के हमारे अभी जो स्टूडेंट नहीं है, तो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, थोड़ा और ओरिएंट कर सकते हैं खुद को, एंड अपनी नॉलेज बेस में डेफिनेटली आई एम श्योर कि कुछ तो इजाफा होगा ही, ठीक है, जो प्री में आपको पार करा दे प्रीलिम्स, ठीक है। ओके, बाकी हमारे PDFs एक्सेट्रा सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पर। और नंबर वन, एक जो अगर आपको जो हिदायत है, दैट इज़ अगर पब्लिक में जाएं तो मास्क पक्का यूज़ करें, ठीक है दोस्तों, खुद भी सेफ रहेंगे औरों को भी सेफ रखेंगे। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में बहुत ही जल्द, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।